जय हिंद। नमस्कार मेरे सेह सैन्य लाडलू लाडलू, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांड ओकेडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन सभी मेरे लाडलों के लिए है जो एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को मैं बता दूं लाडलों कि आप जिस परिस्थिति से इस समय अभी गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से मैं गुजरा हुआ हूँ 2015 की वैकेंसी में। 2015 में मैं आपको वास्तविकता बताऊँ, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आप एसएससी जीडी 2021 का पेपर देने वाले हो तो, कि जो आपके दिल पे अभी बीत रही है वो मेरे दिल पे बीतती है। जिन चीजों से आप अभी जूझ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, या जिस चीज से आपको परेशानी है, या जिन लोगों से आपको परेशानी है, वो एक समय मेरे को भी थी। और याद रखिए, जीवन है तकलीफ होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अंत तक, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट का समय लूंगा। लाडलू, ये आखिरी मोटिवेशन स्पीच है मेरा आप सभी के लिए, तो आपको जरूर सुनना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में और आने वाले इंटरव्यू में आपको वो हिम्मत दे, ताकि आप बहुत ही अच्छे से पास हो। मैं आपको बताऊं कि 2015 वाली वैकेंसी में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सीआरपीएफ में, आप से ज्यादा तो लोग जानते हैं, 2017 में सीआरपीएफ ज्वाइन कर ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2015 वाली वैकेंसी में, इस समय हमारे समय में क्या होता कि फिजिकल पहले होता था। आपको एक चीज बताऊं कि पहले क्या होता था, फिजिकल पहले होता था, और जब फिजिकल पास नहीं होते तब तो पेपर की तैयारी कोई करता नहीं। तो मेरा जो फिजिकल की डेट थी वो बहुत लास्ट में थी, तब बहुत लास्ट में थी, सबसे लास्ट मेरा फिजिकल हुआ था। और जब मेरा फिजिकल हुआ था उसके बाद में मात्र मेरे को 30 दिन का ही समय मिला एग्जाम। इस समय जो आपके ख्याल आ रहा है मेरे दिल में, पता नहीं मेरी तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एक दिन आपका आ गया। मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ कि जब मेरे एग्जाम के 10 से 12 दिन का समय बचा था, उस दिन की एक बात बताता हूँ। इस समय जब मैंने एक मॉडल पेपर दिया था, एक पेपर मैंने जब दिया था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस पेपर में मेरे 45 नंबर आए थे। कितने नंबर? 45 नंबर SSC, ठीक है। लेकिन जब मेरे 45 नंबर आए थे लाडलो, तो उस समय मैंने एक चीज सोची, मैं एक बार के लिए मैं सोचा कि यार नंबर मुश्किल हो गया है, 45 नंबर आए हैं, 10 दिन बाद में एग्जाम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 45 का नंबर हो जाए, कुछ जादू तो है नहीं। लेकिन फिर मैंने एक चीज सोची कि मैंने मॉडल पेपर बुक में ना कि एसएससी जीडी का पेपर दिया, ठीक है। तो इतने कम नंबर आने का रीजन ये था कि ना तो मेरी हिंदी की तैयारी अच्छी थी और ना ही जीके की, हिंदी और जीके मेरे को बहुत ही कम आती थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि अंतिम 10 दिन तक मेरे को पता चल गया कि मेरी हिंदी और जीके में भैंस पानी में चली जाएगी। तो मैंने क्या किया लाडलो कि इन 10 दिन में मैथ का क्या किया, फिक्स कर लिया कि 10 दिन में मैथ की ये पर्सनालिटी का मुझे रिविजन करना है। तो मैं मैथ के लिए हमेशा 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं देता, क्योंकि मेरी मैथ अच्छी थी, बस रिविजन के लिए, साथ में रीजनिंग के लिए 1 घंटा। अब बाकी जो मेरा समय था वो मैंने किसको दिया, हिंदी और जीके को। जीके में करंट जीके इनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने कहा कैसे भी करके नंबर बढ़ाना। लेकिन जब मेरे 45 नंबर आते हैं तब मैं बताऊं, जैसे मेरे दोस्त में 4 बंदे तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब 45 नंबर आए तेरे, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 45 आए इतने ही, मतलब इतनी तैयारी है। फिर मैं सोचता यार हमारी इतनी मेहनत की है, सारा एक बार पेपर देख के हार माने ना, पहले क्या हार, जब तक पेपर होता है तब तक तो बढ़िया से तैयारी करूं, जो होगा सो देखा जाएगा भाई, जो होगा सो होगा और क्या, लेकिन तब तक तो बढ़िया से तैयारी करूं। तो मैंने पीछे कर गया, फिर मैं तो बढ़िया से एक बार तैयारी करने लगा। फिर मैंने एक चीज सोची कि 45 नंबर आए ना, ये मॉडल पेपर में आए, किस में आए बेटा, मॉडल पेपर में, ना कि एसएससी जीडी के पेपर। तो यही बात मैं आपको बोलता हूँ बेटा कि अगर आपके नंबर कम या ज्यादा कुछ भी आ रहे हैं, याद रखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर बोलते हैं ना कि 19-20 का फर्क है, तो अगर आपकी तैयारी अगर 19 भी होगी, कितनी होगी तैयारी अगर 19 भी होगी, और विश्वास अगर आपका 20 होगा, क्या होगा, विश्वास अगर आपका 20 होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए आपकी तैयारी से कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैंने तैयारी की है, बाकी सब की भी तैयारी मेरे से कोई बड़ी ज्यादा नहीं है। अगर मेरा किस्मत साथ दिया, मेरा तकदीर साथ दिया और मेरी मेहनत काम में आई,
और जितनी आपने अब तक मेहनत की है उससे डबल कर दी। आपके नंबर कम आए इसका मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि आप कहीं ना कहीं कमजोर हो, है तो इसको अपनी ताकत बनाओ। यहां पर आप कमजोर हो अंतिम 10 दिनों में जान को, और मैं बताऊं कि ये मॉडल पेपर में आए थे और एसएससी जीडी के पेपर में मेरे 84 नंबर थे लाड में, जब प्लस हुए 3 नंबर तो कितने हो गए 87 और मेरिट कितने पे गई थी 78 पे, तो 45 नंबर भी मेरे आए थे और एसएससी जीडी के पेपर में 87 नंबर भी मेरे ही आए थे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं लाड, आपकी जैसी भी तैयारी है वो अच्छी है। अंतिम समय ये नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा भारी आए तो पेपर कैसा आएगा, पता नहीं अब नया सिलेबस जुड़ा है क्या आएगा, कंटिन्यू कितने की जुड़ा है। अरे नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है, आपकी तैयारी की हुई है। अगर आपने तैयारी की दल से और जो चीज आपकी कमजोर है उसको अंतिम ने आपने सुधार लिया। अंतिम दिनों में क्या होता है, रिविजन होता है, तो एक एक बार सब्जेक्ट को याद रखना, ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत आना। अंतिम समय चाहिए आपका कोई भी अच्छा सब्जेक्ट हो और चाहे भी कमजोर सब्जेक्ट हो, एक एक बार उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ना है, एक एक बार सबका रिविजन करना ही करना है। बाकी ऐसे जीडी के पेपर का कोई लेवल नहीं होता, बहुत इजी पेपर होता है, इसलिए अंतिम समय में आपको इसको पूरा पढ़ना है। तो लाडलो ये 45 नंबर जब आए थे ना, तब अगर मैं निराश होके हताश होके अगर बैठ जाता तो आपके सामने यहाँ पर खड़ा नहीं होता और उस समय सीआरपीएफ जैसी फोर्स मेरे को नसीब नहीं होती। लेकिन उस समय मैंने ये माना कि मेरी कमजोरी ये है, मैं इस पर अगर तैयारी कर लिया तो मैं नंबर ला दूंगा, और मैंने तैयारी की और जीके और हिंदी में मेरे अच्छे नंबर आए पेपर में और मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी थी तो नंबर आ गया। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका जो मॉडल पेपर आप देते हो उसमें पेपर में नंबर कम आए ज्यादा आए कोई मायना नहीं रखता। एसएससी जीडी का जिस दिन पेपर होगा वो समय जो 1.5 घंटे का होगा वो आपकी लाइफ डिसाइड करेगा कि आप फौजी बनोगे या नहीं, ना कि ये मॉडल पेपर बेटा। इसलिए निराश नहीं होना है। क्या पता कि आपका मान लो मैथ कमजोर है, आपके पेपर में मैथ का पार्ट बहुत इजी आ जाए तो आपकी तो लाइफ बन गई ना। क्या पता आपकी रीजनिंग कमजोर और आपके पेपर में रीजनिंग ही अच्छी आ जाए तो आपकी लाइफ बन गई। मान लो आपका जीके बहुत कमजोर है और आपके पेपर में करंट जीके के 4 से 5 क्वेश्चन, 2-3 पॉलिटिक्स के, 4-5 हिस्ट्री का आ जाए तो आपकी लाइफ तो बन गई, मार दोगे आप 15-16 नंबर इजीली। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अंतिम समय में कभी भी अपने आप को कम महसूस ना करें, अपने आप में हिम्मत रखें, अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, अपने माँ बाप के चरणों पे विश्वास रखें, उनके चरणों की धूल है आप उस पे विश्वास रखें, विश्वास के साथ पेपर देने जाइए। और कोई बात नहीं, मॉडल पेपर में नंबर चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, आपकी तैयारी भले कम है चाहे ज्यादा है, अगर आपकी तैयारी, मैंने क्या बोला, अगर आपकी तैयारी 19 भी है, अगर आप में विश्वास 20 है तो जीत हमेशा विश्वास की होती है बेटा। याद, जो इंसान ये बोल सकता है ना कि मैं कर सकता हूँ वो करके दिखाता है इस दुनिया में। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने बोला कि राइट ब्रदर्स ने बोला था कि मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ, उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई प्लेन जैसी चीज आसमान में उड़ सकती है इतना वजन लेके, लेकिन उन्होंने उड़ा के दिखाया किसके बदले, विश्वास के बदले। इसीलिए मैं बोलता हूँ विश्वास बहुत बड़ी चीज है लाडलो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, किसी और पे नहीं। याद रखिए आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका जो आपकी मेहनत है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा है। तो अपने ऊपर विश्वास रख रही, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और अपनी किस्मत पे भी 1% विश्वास करके देखिए। अगर आपकी मेहनत है तो किस्मत बोलते हैं बेटा, किस्मत पलट जाती है लेकिन मेहनत नहीं। अगर आपने मेहनत की है वो कभी नहीं पलटेगी। इसलिए दिल लगा के रात दिन एक कर दीजिए, अंतिम समय है, अंतिम प्रहार है, हर रोज बहुत बढ़िया से तैयारी करिए और दिल लगा के बढ़िया से शानदार तरीके से अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनी तैयारी पे विश्वास करिए कि कोई बात नहीं मेरे नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, ये एसएससी जीडी का पेपर तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आप भी जा सकते हो। 45 से 87 नंबर आपके मॉडल पेपर में अगर 45 आ रहे हैं तो आप 87 नंबर भी ला सकते हो, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है मेरे लाडलो, कोई बात नहीं, बढ़िया से तैयारी करिए दिल खोल के, का नंबर आ जाएगा। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप मेरे को याद जरूर करोगे कि विराट सर ने 10 दिन पहले हमें ये बात बताई, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत लाडलो।